अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं सब आए दोस्तों, आज दिन है जुमे का, तारीख है 1 मई 2020। तो हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। आज ओमान में 99 केसेज जो हैं कोरोना के वो रिपोर्ट हुए, यानी जुमे के दिन 1 मई को 99 केसेज जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्टेड हुए हैं, और जिनमें से 41 जो हैं, 41 जो हैं वो ओमानी हैं लोकल सिटीज़न, जबकि 58 लोग जो हैं वो खारजी हैं एक्सपैट्स। और अब तक कुल मिला के पॉजिटिव रिपोर्ट जो हैं रिपोर्ट हुए ओमान में, उनकी तादाद है 2447 एज ऑफ टुडे, यानी आज के दिन तक 1 मई 2020 तक ओमान में 2447 लोग जो हैं वो उनके पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्टेड हुए हैं, केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, और मरने वालों की तादाद जो है वो है 11। इससे पहले ये तादाद थी 10। कल एक यंग फीमेल की डेथ हुई, और अब तक जो है डेथ जिनकी हुई है उनकी तादाद जो है 11 है, जबकि रिकवर्ड जो केसेस हैं उनकी तादाद जो है वो 495 है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपना ख्याल रखें, जितना मुमकिन हो सके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें, क्योंकि कुछ मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं। तो अगर आप मार्केट विज़िट करते हैं इमरजेंसी सूरत में सिर्फ जाएं, और वहाँ पर भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर हम खुद अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल भी रखा जाएगा। तो इसी तरह हर बंदा अगर अपना ख्याल रखना शुरू कर दे तो ऑफकोर्स दूसरा भी मुतासर नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मेरी तरफ़ से सब दोस्तों को जुमा मुबारक। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद खबरें जो हैं वो आप तक पहुँचें। आज 1 मई है, चूँकि मज़दूरों का आलमी दिन भी है, उसके हवाले से मैंने एक अलहदा वीडियो डाल दी है, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन लास्ट में मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा तमाम मज़दूरों के लिए, तमाम परदेसियों के लिए, कि ज़रूरतों की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं पाँव में, ज़रूरतों की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं पाँव में, तुम ही बताओ मैं किस तरह लौट आऊँ गाँव में। अपना ख्याल रखें। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।